बहुत सारे आइटम बाय किए थे एंड आप देख सकते हो पूरा कार्टून फुल है। एंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिकॉज़ मुझे इंट्रो को बड़ा करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। एंड हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो एंड अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट गाइस, यहां पे जो मैंने फर्स्ट आइटम बाय किया था वो मैंने बाय किया था ₹1 का एंड आप देख सकते हो कितनी क्यूट सी पैकिंग आई है एंड आई टोटली डोंट नो कि उन्होंने इसके अंदर क्या भेजा है। तो साथ में मिलके ओपन करते हैं एंड आई एम वेरी एक्साइटेड कि ₹1 में क्या आने वाला है। तो चलो ओपन करते हैं। नाइस पैकिंग बाय द वे, ₹1 में इतनी अच्छी पैकिंग मिलना इज नॉट पॉसिबल बट ओ सो आई थिंक ये फोन होल्डर है बिकॉज इसमें MI लिखा हुआ है एंड बहुत क्यूट है एंड ₹1 के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा सही भी है ना। आप देख सकते हो कितना क्यूट है, मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। एंड इसको यहाँ से हटाएंगे एंड सिंपली वॉल में स्टिक कर दो, बाकी कुछ भी हैंग कर सकते हो आप। वेरी क्यूट एंड सिंपल सा है। खाने वाली उसकी मैं पैकिंग नहीं दिखाऊंगी अदरवाइज वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी एंड मैं वो बिल्कुल भी नहीं चाहती। ज्यादा डिमांड आ रही थी कि दीदी कुछ हेयर क्लिप्स शेयर कीजिए यूनिक से, तो मैंने ये वाले हेयर क्लिप्स बाय किए थे। पहले तो इसकी पैकिंग देख लो कितनी गंदी आई है एंड ये दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर है बिकॉज मुझे बहुत अच्छे लगे, शेप्स एंड डिजाइन वगैरह बहुत अच्छे लगे एंड मैंने एक लगा भी रखा है। बट ये मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगी बिकॉज जैसे मैंने इसे ओपन किया एंड मैं इसे जब अपने हेयर में स्टिक कर रही हूँ बाल में लगते ही नहीं है, मतलब ये बाल में अगर लगाओ ना तो ये फिसल जाते हैं। तो मुझे नहीं पता कि इसका क्या मतलब हुआ एंड ये मुझे समथिंग अराउंड 100 या 120 समथिंग का पड़ा था। अभी मैंने आप देख सकते हो टिक टैक पिन से यहाँ पर मैंने अटैच किया बिकॉज अब मैंने खरीदा है तो मैं यूज तो करूंगी। एंड नेक्स्ट जो मैंने आइटम बाय किया था वो मैंने बाय किया था ये हैंकी का सेट बिकॉज बहुत ज्यादा चीप मिल रहे थे एंड मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। एंड अभी मेरी मम्मी गाँव भी जाने वाली है तो मेरी मम्मी कहती है ले ले मैं यूज कर लूंगी एंड मुझे नहीं अच्छी क्वालिटी में आएंगे। सच में गाइस ये बहुत ज्यादा वर्थ बाइंग है, आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। इतने ज्यादा स्मूथ एंड सबसे अच्छी बात पता है क्या, सब में डिजाइन वगैरह अलग अलग आए हैं। ये डिजाइन मतलब इतने सॉफ्ट है ना, मतलब गालों पे लगाओगे ना तो गाल मतलब मखमल बनने वाले हैं। एंड इसमें पॉकेट वाले भी दे रखे हैं बट पॉकेट वाले मुझे खास अच्छे नहीं लगे। मैं आपको रख के दिखा सकती हूँ, पॉकेट वाले मुझे खास अच्छे नहीं लगे बिकॉज जिप की क्वालिटी बहुत लो है एंड ऐसा लग रहा है कि टूट जाएगा। बट ठीक है, मैं ज्यादा मतलब बुराई नहीं करूंगी बिकॉज काफी ज्यादा चीप में मिले थे। एंड गाइस नेक्स्ट जो मैंने आइटम बाय किया है ना वो भी मुझे बहुत प्यारा लगा एंड ये इतना क्यूट आप मैंने देख सकते हो। पहले ये मैंने एक वॉलेट बाय किया है बिकॉज मेरी मम्मी को नीड थी। मुझे जो चेन है ना वो टूटी हुई रिसीव हुई है तो मैं इसे रिटर्न कर दूंगी, रिटर्न नहीं एक्सचेंज कर दूंगी बिकॉज मैं क्यों टूटा लू जो मैं पैसे दे रही हूँ। तो बाकी बहुत सही आया, आप देख सकते हो अंदर भी एक चेन दी गई है, कंपार्टमेंट भी बहुत ज्यादा है तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा एंड क्वालिटी बिल्कुल भी चीप नहीं लग रही एंड ट्राई करना चाहिए, मुझे ये बहुत अच्छा लगा एंड वर्थ बाइंग भी है। एंड नेक्स्ट जो मैंने लिया था वो लिया था मैंने अगेन एक वॉलेट बिकॉज मेरी बड़ी बहन कहती तू मेरे लिए भी बाय कर ले क्योंकि पापा भी गाँव जाने वाले थे, वो कहती मेरे को भिजवा देना। मैंने कहा ठीक है ठीक है। ये वॉलेट मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा बट ये समथिंग मुझे थोड़ा सा अलग शो हो रहा था स्क्रीन पे, आप देख सकते हो कुछ अलग सा बट मुझे जो रिसीव हुआ थोड़ा अलग है बट मुझे ये ज्यादा अच्छा लगा बिकॉज पहले तो आप इसकी स्पेस देख सकते हो कितना सही आया है। आप देखो एक ये कंपार्टमेंट एंड इसमें काफी कुछ आ जाएगा हमारा, नेक्स्ट एक अनदर कंपार्टमेंट एंड फिर इसमें भी बहुत कुछ आएगा, देन इसके अंदर भी एंड देन इसके अंदर भी। और क्या चाहिए लड़कियों को, मतलब ना सारा स्पेशियस मिल जाए तो बिनी बन जाता है, बाकी यहाँ पर टाटिया घूम रहा है। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा, आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। नेक्स्ट जो मैंने लिया था अगेन मैंने एक वॉलेट ही लिया था बिकॉज मतलब मैं जब वॉलेट ले रही थी ना तो मुझे बहुत पसंद आ रहे थे तो मैंने बाय कर लिया सब कुछ। मैंने कहा आने दो भाई आने दो, चलो ले लेते हैं काम ही आएगा। एंड ये काफी ज्यादा बिग है एंड मुझे बहुत चीप मिला था, आई थिंक 129 समथिंग इतने का ही मिला था, इसीलिए मैंने बाय कर लिया अदरवाइज मैं नहीं करती। एंड बहुत स्पेस है यार, लिटरली आप देख सकते हो कितने सारे कंपार्टमेंट है और क्वालिटी वगैरह भी बहुत अच्छी है, कहीं से भी चीप नहीं लग रहा, चेन की क्वालिटी भी अच्छी है। गाइस आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अनदर बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल सा बैग जो की है जूक ब्रांड का। जूक इज ए इंडियन ब्रांड
ऑल्सो वेगन फ्री, एंड आप देख सकते हो कितना बड़ा बैग है। अगर आप कॉलेज गर्ल हो या बिजनेस वुमेन है तो आपके लिए एकदम परफेक्ट है। एंड आपका सारा सामान इसके अंदर आने वाला है, आप देख सकते हो इसमें कितना स्पेस है। एंड आपको इधर भी कंपार्टमेंट मिल जाएंगे, ऑल्सो इधर भी कंपार्टमेंट मिल जाएंगे, जिससे आपका पूरा सामान इसके अंदर फिट आने वाला है। तो आपको ये बैग डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। एंड ऑल्सो मेरा कूपन कोड YT प्रतिभा 12 यूज करना मत भूलना, इससे आपको मिलेगा एडिशनल 12% ऑफ। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, बहुत टाइम हो गया मैंने अपने फर्स्ट गिवअवे विनर को अनाउंस नहीं किया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने फर्स्ट गिवअवे विनर को अनाउंस कर दूं एंड देन मैं अपना पार्सल आपके पास पहुंचा दूं, बिकॉज बहुत लेट हो गया है एंड मैं जब भी वीडियो शूट करती मैं भूल जाती हूँ। एंड जो मेरी फर्स्ट गिवअवे विनर है वो है प्रिया। थैंक यू डियर, आपने मुझे इतना ज्यादा सपोर्ट किया, आप मेरी बनती हो फर्स्ट गिवअवे विनर। एंड सेकंड एंड थर्ड मैं पहले ही अनाउंस कर चुकी हूँ। सो गाइस नेक्स्ट जो मैंने बाय किया था वो मैंने बाय की थी ये कलरफुल चूड़िया, बट लुक एट दिस चूड़िया कितनी सही आई है। बट मुझे 4 का सेट दिखा था एंड मुझे 3 रिसीव हुए है, एंड वो काफी छोटे छोटे भी दिख रहे थे, मतलब इतने इतने दिख रहे थे, मुझे नहीं पता था वो इतना बड़ा भेज देंगे। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा। बट आप ये देख रहे हो ना इसके शिमर है ना वो थोड़े निकलते हैं, एंड मतलब काफी निकलते हैं, बट जो ये वेलवेट वाला है ना वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बट ये थोड़े निकलते हैं। बस मुझे यही इसका थोड़ा बैड साइड लगा, अदरवाइज बहुत सही है। तो गाइस नेक्स्ट जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो मैंने लिया था ये जूड़ा एसेसरी, मिला तो मुझे काफी ज्यादा सुंदर रिसीव हुआ है, आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। बट इसमें मुझे यहाँ पे एक फ्लावर मिला ही नहीं, या मुझे लगता है उस बॉक्स में रह गया, क्या है क्या नहीं है, बट कुछ भी है मुझे तो नहीं मिला भाई साहब। एंड ये बहुत ज्यादा सुंदर लगा था, बिकॉज आप सिंपल सा ऐसे डिजाइन करो एंड ऐसे लगा लो, ऐसे नहीं मतलब जूड़ा वगैरह में लगा लो तो काफी ज्यादा सही लगेगा। एंड एक सीक्रेट बताओ, अगर आपके पास कंघी नहीं हो ना तो आप इससे भी अपने बालों को कॉम कर सकते हो। मैंने बाय किया था वो मैंने बाय किया था ये रबड़, एंड इसके कुछ रबड़ है वो मेरी मम्मी ने पहले ही निकाल लिया, बिकॉज मेरी मम्मी यूज करती है, क्योंकि पिछली बार जो मैंने रबड़ बाय किया था ना वो बहुत सुंदर रिसीव हुए थे मुझे, एंड उनकी क्वालिटी वगैरह मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा कुछ नया ट्राई करते हैं, बिकॉज मैं भी चोटी वगैरह करूंगी तो अच्छे लगेंगे। एंड आप देख सकते हो कितने ज्यादा क्यूट है एंड बहुत सही है, एंड कलर थोड़े थोड़े अलग है, बाकी सबके सेम ही है, गोल्डन सा है, एंड मुझे काफी ज्यादा सुंदर लगे, तो आप ट्राई कर सकते हो अगर आपको नीड है तो। एंड लास्ट जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो मैंने लिया था ये क्या कहते हैं इसे, बीट्स, बट ये ठीक ठाक से लगे मुझे बीट्स, ऐसे ढीले डाले से लग रहे पता नहीं क्यों, एंड मुझे ये वेरी ओकेश लगा, मतलब ये बाल में स्टिक तो हो जाता है बट उतनी अच्छे तरीके से नहीं, बट चोटियां जैसे ब्रेड्स बनाओगे ना तब काफी ज्यादा सुंदर लगेगा, तो मैं इसमें थोड़ी ऐसे से हूँ, आप देख लेना अगर आपको अच्छा लगा तो आप बाय कर सकते हो। बट हाँ ठीक है, प्राइस के अकॉर्डिंग 70 या 50 रुपीस का पड़ा था तो ओके है। सो या गाइस दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट आप लोगों की बहुत डिमांड थी कुर्ती हॉल की, तो बहुत जल्दी मेरे चैनल पे आने वाला है, तो प्लीज 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 अगर यहाँ तक पहुंच गए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऑल्सो एक लाइक कर देना अगर मैं आपको पसंद आई हूँ तो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।